वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करेंगे एक लेटेस्ट वैकेंसी आ रखी है नौसेना में। ठीक है, तो भारतीय नौसेना में ये वैकेंसी जो है, ये वैकेंसी है म्यूजिशियन की। तो इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करने वाले कि कौन से बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं, नहीं भाग ले सकते हैं, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह का रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर आपका एग्जाम पैटर्न वही जिसे आप कहते हो क्या होने वाला है, और सबसे जरूरी बात इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसकी थोड़ी सी अलग एलिजिबिलिटी, मतलब कि आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो डिटेल में वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके। तो हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं। अनमैरिड मेल कैंडिडेट होना चाहिए, मतलब अविवाहित पुरुष होना चाहिए, मतलब जो लड़के हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आपकी जो वैकेंसी है अक्टूबर 2021 बैच के लिए है, और टोटल 33 वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लिए है। अब जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें से 300 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, जो कि आगे फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए काउंट होंगे। ठीक है, उनके लिए जा पाएंगे। कोविड वगैरह होने के कारण ये ज़्यादा बच्चों को नहीं ले रहे, सिर्फ 3 बच्चों को लेकर ही टेस्ट करके उनसे बच्चों को छांट लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर, थोड़ा सा मैंने आपको बताया वैकेंसी वगैरह कितनी है। एजुकेशन की बात करें तो कक्षा 10 पास का कोई भी बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होनी जरूरी है, वो मैं आपको नीचे बताऊंगा। उम्र सीमा की बात करें तो 1 अक्टूबर 1996 से 30 सितंबर 2004 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ पढ़नी चाहिए। अगर आप SC ST OBC या कुछ भी है तो आपको उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगी। जो भारतीय नौसेना, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की वैकेंसीज होती हैं उनमें उम्र सीमा में किसी को कोई छूट नहीं दी जाती है। म्यूजिकल एबिलिटी क्या है कि आपको जो है ना, गाने जैसे कोई गाना चल रहा है तो उस गाने में आप इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं कि नहीं, ये आपकी जो है ना एबिलिटी है। एक कंप्लीट सॉन्ग में आपको इंस्ट्रूमेंट बजा कर दिखाना होगा जब चलेगा। ठीक है, तो इसके अलावा जो है ना, आपके इंस्ट्रूमेंट कौन सा आपको बजाना आना चाहिए, तो देखिए कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट, कीबोर्ड टाइप का या स्ट्रिंग टाइप का या विंड टाइप का। अब थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि कीबोर्ड टाइप का इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है। कीबोर्ड टाइप का, तो कीबोर्ड वाले वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें कि आपने देखा होगा बटने होती दबाने वाले, जैसे कि हारमोनियम हो गया। ठीक है, हारमोनियम हो गया, और आपका हो गया जैसे कि पियानो हो गया। ठीक है, पियानो हो गया, हारमोनियम, ये जो है ना कीबोर्ड टाइप के। स्ट्रिंग वाले कौन से होते हैं जिनमें रस्सी होती है, जैसे कि गिटार हो गया। ठीक है, और विंड टाइप के जिनमें हवा फूंक के चलते हैं, जैसे कि बांसुरी आपकी हो गई। ठीक है, तो ये तीनों टाइप के इंस्ट्रूमेंट में कोई एक इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना आना चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। और एक और कि ड्रम अलाउड नहीं है इसमें। ड्रम का मतलब देखिए यहाँ लिख रखा है, कैंडिडेट परफॉर्मिंग ऑन इनडेफिनेट पिच इंस्ट्रूमेंट सच एज जैक ड्रम सेट, बास ड्रम सेट, स्नेर ड्रम, साइड ड्रम, सिंबल्स। ठीक है, नॉन क्रोमेटिक इंस्ट्रूमेंट सच एज बगल एंड मोनोटोन इंस्ट्रूमेंट विल नॉट एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट। ध्यान रखिएगा, नॉट एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट। अब ये ड्रम सेट क्या होता है, आपने देखा होगा, ड्रम का मतलब ढोल समझो आप सीधी भाषा में। तो ढोल वाले बच्चे जिन्हें बजाना आता है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और बगल क्या होता है, आपने देखा हो शादी ब्याह में जो है ना, एक बड़ा सा ऐसा करके होता है, पाइप पाइप होते हैं, और इधर साइड में इसका मुंह ऐसा बड़ा सा होता है, और यहाँ से जो है ना फूंक मार के जो है ना लोग बाग ऐसे करके बजाते हैं, तो यहाँ से तो आवाज आती है, तो इसे बोलते हैं बगल। आप एक बार गूगल कर लेना, आपको चीज़ें और समझ में आ जाएगी। इसका हिंदी नाम मुझे याद नहीं है, आप गूगल में देख सकते हैं। तो अगर आपको ये बजाना आता है या ढोल बजाने आते हैं तो ऐसे बच्चे इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आपको कीबोर्ड, स्ट्रिंग या विंड में से कोई इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए। अब देखिए, जो आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट वगैरह है वो क्या चाहिए आपको, म्यूजिकल के जो सर्टिफिकेट है, तीनों में से कोई एक चीज़, 3 पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, कोई एक पॉइंट की कोई एक चीज़ आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट्स परफॉर्मिंग हिंदुस्तानी और कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है, ऑन विंड इंस्ट्रूमेंट विल रिक्वायर ए म्यूजिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम इन। तो किसी यूनिवर्सिटी से अगर आप जो है ना क्लासिकल म्यूजिक या हिंदुस्तानी म्यूजिकल में आप परफॉर्मेंस दे चुके हो या आप उस बेस पर भर्ती होना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपको जो है ना, जो रिकॉग्नाइज म्यूजिकल इंस्टीट्यूट है इंडिया का, उससे आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एक तो ये वाला सर्टिफिकेट हो, या अगर आपने पश्चिमी किसी स्कूल में, जैसे रॉयल स्कूल ऑफ म्यूजिक लंदन, ठीक है, तो पश्चिमी का मतलब जो यूरोप वगैरह में, अगर आपने वहाँ से कोई सर्टिफिकेट लिया तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। तीसरी चीज़ है, अदर कैंडिडेट विल रिक्वायर टू सबमिट ए सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन या अवार्ड प्रेजेंटेड एट वेरियस इवेंट। किसी रिकॉग्नाइजेबल इवेंट में आपने पार्टिसिपेट किया हो या आपको कोई अवार्ड मिला हो तो आप वो सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, ऐसे बच्चे भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो तीन चीज़ें हो गई, एक बार और मैं आपको रिपीट करूंगा क्योंकि सबसे दिक्कत वाली चीज़ें यही हैं। तो जो पहले नंबर वाली चीज़ है इसमें क्या है, परफॉर्मिंग करते हैं हिंदुस्तानी या कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक में ऑन विंड इंस्ट्रूमेंट में, तो
विंड इंस्टीट्यूट में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए रिकॉग्नाइज म्यूजिकल इंस्टीट्यूट का, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आपने कहीं पश्चिम में मतलब यूरोप वगैरह में लंदन वगैरह से अगर आपने कोई सर्टिफिकेट ले रखा है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, जैसे कि ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन या रॉयल स्कूल ऑफ म्यूजिक लंदन, यहाँ से भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हो तो ले सकते हो। या तीसरी जो ये चीज़ सबके पास में हो जाती है, जो भी जिसे भी ड्रम वगैरह या कुछ और बजाना आता है जैसे कि, तो उसके पास में ये पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट या कोई ना कोई अवार्ड जरूर मिल चुका होता है। तो ये अगर आपने पार्टिसिपेट किया या अवार्ड मिल चुका है तो बस वो सर्टिफिकेट ही आपको लगा देना है। तो मोस्टली बच्चों के पास में ये चीज़ होगी ही होगी, तो आपको यही चीज़ लगा देनी, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। पेड अलाउंसेस की बात करें तो आपको ग्रुप सी की आपको वेतन दिया जाएगा, पे लेवल 3 के वेतन से आपकी शुरुआत होगी, 5200 का ग्रेड पे रहेगा, 21700 मूल वेतन रहेगा, और जब आप ट्रेनिंग चालू हो जाएगी तो 14600 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपको मिलेगा। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद आपको पूरी तनख्वाह दी जाएगी। करीब करीब आपकी जो पेमेंट बनेगी वो 28 से 30 हज़ार रुपये प्रति महीने के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से आपकी बनेगी जाके लमसम अमाउंट मैंने आपको। सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो देखिए COVID-19 के कारण ये लोग ज़्यादा बच्चों को नहीं ले रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट 300 बच्चों को लेंगे और उसी को जो है ना म्यूजिकल टेस्ट और PFT करवाए, PFT का मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका करवाया जाएगा, ठीक है। तो जो आपका सिलेक्शन रहेगा जिसे 300 बच्चों को लिया जाएगा उसका बेसिस क्या होगा आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर डिग्री है तो सबसे ज़्यादा वरीयता उन्हें देंगी, अगर डिप्लोमा है तो उन्हें फिर वरीयता मिलेगी, फिर इसके बाद अगर कोई और सर्टिफिकेट है तो वरीयता मिलेगी, फिर इसके बाद सर्टिफिकेट और कंपटीशन, आपने कभी कंपटीशन पार्टिसिपेट किया तो वरीयता दी जाएगी, कोई अवार्ड मिला है तो वरीयता रहेगी, पार्टिसिपेशन की फिर वरीयता रहेगी, ठीक है। एक्सपीरियंस आपको है तो उसकी भी वरीयता रहेगी, और जो है ना अगर आपने कक्षा 10 में एक सब्जेक्ट ले रखा है तो कोई वरीयता आपको नहीं दी जाएगी, ऐसे बच्चे इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो देखिए जी ऑप्शन तक जो है रहेगी, इसी आधार पर जो है ना आपको वरीयता दी जाएगी, इसी आधार पर आपको 300 बच्चों में सेलेक्ट किया जाएगा। द म्यूजिकल स्क्रीनिंग बोर्ड विल बी कंडक्टेड ऑन अ डेट, कॉल लेटर आपका आएगा उसमें बताया जाएगा कि आपका कब होगा, ठीक है। और जो है ना आप यहाँ से देख सकते हैं मंथ अक्टूबर, जो अक्टूबर 2021 में जो है ना आपका मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह करवाए जाएंगे। जो लोग अब जो 300 बच्चों के कॉल लेटर जाएंगे उन बच्चों का सबसे पहले क्या होगा, एक म्यूजिक स्क्रीनिंग बोर्ड होगा, उसके समझ आपको जो है ना बजाना आता है, वो सब आपको देखा जाएगा कैसे क्या बजा लेते हो। फिर उसके बाद आपका होगा एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इसमें क्या क्या होगा आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें आपकी 1600 मीटर की दौड़ होगी, 7 मिनट में पूरी करनी होगी, 20 उठक बैठक रहेंगे और 10 पुशअप रहेंगे, ठीक है। तो ये आपकी फिजिकल रहेगी, इसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका एक नॉर्मल मेडिकल होगा, फिर उसके बाद आपको फाइनली INS सेलकम बुलाया जाएगा, एक बार वहाँ फिर से मेडिकल होगा, अगर फिर वहाँ मेडिकल सही पाया जाता है तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक है। जो आपकी ट्रेनिंग रहेगी वो अक्टूबर 2021 में चालू होगी, 15 वीक की बेसिक ट्रेनिंग रहेगी INS चिल्का उड़ीसा में, ठीक है। फिर इसके बाद आपको जो है ना मुंबई भेजा जाएगा, 26 वीक की स्पेशल ट्रेनिंग रहेगी मिलिट्री म्यूजिक के लिए, ठीक है। तो 26 सप्ताह की वो ट्रेनिंग और 15 सप्ताह की बेसिक ट्रेनिंग, और आपकी जो है नौकरी 15 साल की शुरुआत में होने वाली है। आप www.joinindiannavy.government.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 2 अगस्त 2021 लगा के 6 अगस्त 2021 के बीच में चलेंगे, तो देर मत कीजिएगा, जितनी जल्दी हो सके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। और यहाँ पर कोई फॉर्म फीस नहीं ली जा रही है, तो टोटली फ्री फॉर्म है, आप आराम से जाइए वेबसाइट पर www.joinindiannavy.government.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दीजिएगा, ठीक। एग्जामिनेशन सेंटर जो है ना वो मुंबई रहेगा। अब देखिए जो आपकी फॉर्म फीस है वो 60 रुपये आपकी फॉर्म फीस है, तो बहुत ज़्यादा कोई फॉर्म फीस में नहीं है। तो ये हमने मोटी मोटी सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी, अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। और एक चीज़ और यहाँ से देखिए, इट इज़ मैंडेटरी टू सबमिट ए निगेटिव RT-PCR लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट COVID-19, ठीक है, बाई द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, नॉट 96 मतलब कि 96 घंटे से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप वहाँ पर जाएंगे टेस्ट देने तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो है ना 96 घंटे के पहले की रिपोर्ट ना हो, तो करीब जो है ना एक दिन पहले 24 घंटे पहले आप जो है ना अपना RT-PCR टेस्ट करा लेना, और इसकी रिपोर्ट लेकर आपको जो है ना जाना पड़ेगा जब मुंबई में अपना एग्जाम म्यूजिकल जो आपका बोर्ड है उसका देने जाएं, तो आप ज़रूर इसका लेके जाएं, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर आपको काफ़ी समस्या फेस करनी पड़ जाए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखना चाहेंगे, अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।